वालेकुम प्यारे बच्चों आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं इस्लामिया क्लास शिशम के सिक्स क्लास के नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक है इस्लामिया उसके हम करने जा रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चंस और जानवरों की अहमियत और उनके हकूक़ का बाब हफ्तम है उसके हम आज मुख्तर सवाल जवाब करेंगे <laughs> मुख्तर सवाल जवाब में पहला सवाल है जानवरों के साथ उसने सलूक के बारे में दो आयात लिखे ये दो आयात आपकी बुक में मौजूद हैं मैंने इनकी पिक यहाँ पे डाली है अल्लाह ताला का इर्शाद है तर्जमा और हमने इन मवेशियों मवेशियों कहते हैं बैलों बैल वग़ैरह जानवर ही कहते हैं को इनके ताबे किया फिर इन में से कुछ तो उनकी सवारियाँ हैं और इन से बास के गोश्त को वो खाते हैं और इनके लिए इन कई फ़ायदे हैं और पीने की चीज़ें भी फिर भी क्या वो शुक्र नहीं करते ये सुरतल्यासिन की है दूसरी आपने आयत लिखनी है उसका तर्जुमा है और अल्लाह ताला ने ज़मीन पर चलने वाले हर जानदार को पानी से पैदा फरमाया उनमें से कोई अपने पेट के बल चलता फिरता है और उनमें से कोई दो टांगों पर चलता फिरता है और उनमें से कोई चार पाँव पर चलता फिरता है अल्लाह तो चाहता है पैदा फरमाता है ये दो आयतें आपने लिखनी है सवाल नंबर दो है जानवरों के बारे में दो अदीस लिखें पहली हदीस है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि सल्ला वसम ने फ़रमाया रहम करने वालों पर अल्लाह ताला भी रहम करता है तुम ज़मीन वालों पर रहम करो आसमान का मालिक तुम पर रहम करेगा दूसरी हदीस मुबारक है आप सहु वसम ने जानवरों को आपस में लड़ाने से मना फरमाया है सवाल नंबर तीन है बच्चों जानवरों में हमारे लिए क्या फ़ायदे हैं तो जैसा कि आप जानते हैं कि जानवरों से हम दूध अंडे गोश्त वगैरह हासिल करते हैं और इन्हें हम एज अ सवारी भी यूज़ करते हैं तो जवाब है इसका कुछ जानवरों से हम दूध अंडे गोश्त ऊन हासिल करते हैं और बाज जानवर हमारी सवारी और बर्द, और बुरदबारी के काम आते हैं यानी कि उनके ऊपर हम वज़न सवार करते हैं जानवरों पर सवारी के बारे में इस्लाम में क्या हुक्म है जानवरों की सवारी करने में भी हसन सलूक का ख़्याल रखना चाहिए इनको ईज़ा पहुंचाना जायज़ नहीं ईज़ा यानी कि उनको तकलीफ़ पहुंचाना या किसी किस्म की चोट पहुंचाना। जानवर सवारी के लिए ज़रूर है लेकिन तवील सफ़र में इनको आराम लेने चरने और खाने पीने का मौका फ़राह करना चाहिए तो ये आपके जो हैं थे जवाब अब है आखिरी सवाल है मूजी जानवरों के बारे में इस्लाम में क्या हुक्म है इस्लाम में मूजी और नुकसान पहुंचाने वाले जानवरों को मारने की इजाज़त दी गई है लेकिन इसमें भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि ने एहसान का ख्याल रखते हुए इनको अजियत देने और आग में जलाने से मना फरमाया है जैसे कि छिपकली वगैरह